हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्केट टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को हाउस वायरिंग में लगने वाले उपकरणों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस हाउस वायरिंग में क्या क्या उपकरण लगे होते हैं, सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक MCB है। MCB के बाद यहाँ पर देखेंगे एक चेंज ओवर है। यहाँ पर आप देखेंगे RCCB है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ स्विच हैं। तो सब कुछ का कंप्लीट यहाँ पे देखेंगे, स्विच है, ये देखिए बोर्ड को कंप्लीट कर दिया गया है। कुछ ऐसे मॉडल में बोर्ड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डीप लाइट है। डीप लाइट के बाद यहाँ पे देखेंगे पोली कैप के वायर है। इस वायर को लगाया गया है, बढ़िया कंपनी का वायर है। उसके बाद यहाँ देखेंगे होल्डर है, मार्टर होल्डर है, थोड़ा डिजाइन में है। तो ये देखिए राउंड सीट है, जिसको राउंड सीट बोलते हैं। एक फैन सीट होती है, यहाँ पे आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं, यहाँ फैन सीट है। ये देखें एक छोटा सा बोर्ड है। इस छोटे से बोर्ड में देखिए दो साकेट, एक 16 एम्पियर की है। उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन है, दो बटन इसके लिए, एक ये न्यूट्रल और फेस से चलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोनों एक में ज़्यादा वाट के लिए 16 एम्पियर लगाया, कम वाट के लिए इसको इन्वर्टर कनेक्शन के लिए इस साकेट को लगाया गया। तो जहाँ भी लगेगा इस बोर्ड में, एक में लाइट का कनेक्शन रहेगा, एक में इन्वर्टर का कनेक्शन रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर RCCB है, इसको भी आपको निकाल के दिखाएं, निकालो बाबू। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बढ़िया से कवर में पैक है। इसका काम होता है कमरे में यदि ग्राउंड अर्थ हो या शॉर्ट सर्किट हो तो यह क्या करेगा, तुरंत यह गिर जाता है। खोलिए इसको, यहाँ नीचे करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये RCCB है, 40 एम्पियर का ये RCCB है, हैवेल्स कंपनी का है। तो जो भी पार्ट लग रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके, अच्छे कंपनी का लग रहा है, ताकि आगे चल के कोई समस्या ना हो। यहाँ पर देखेंगे 35x8 का स्क्रू लगाया जाएगा। स्क्रू का प्रयोग जो वायर पट्टी होता है, वायर पट्टी यहाँ पे आप देखेंगे जो वायर पट्टी है, कहीं कहीं वायर पट्टी की भी ज़रूरत पड़ गई है, और कहीं अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए भी। यहाँ पर आप देखेंगे अंडरग्राउंड के लिए वायरिंग यहाँ से कर दी गई, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ने पर वायर पट्टी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये स्क्रू है 35x8, ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे प्लास्टिक प्लग है, ड्रिल मशीन के द्वारा इसको अंदर लगा के स्क्रू से टाइट किया जाता है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ जो बोर्ड है, इस बोर्ड में देख सकते हैं 6 स्विच है, एक इंडिकेटर है, रेगुलेटर है, 2 साकेट है। तो इसका कैसे कनेक्शन होता है इसको भी बताया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये जो मॉडलर बोर्ड है, मॉडलर बोर्ड के ऊपर एक ऊपर से कवर आता है, ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको क्या कराया जाता है, ऐसे इसको बैठा दिया, इसमें लॉक लगा होता है, इसको स्क्रू से नहीं टाइट किया जाता, इसमें लॉक लगा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ये जो लॉक है जाके उसके अंदर बैठ जाते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ इसके अंदर एक के जो पार्ट है, ये रेगुलेटर के 2 वायर निकले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसका कनेक्शन हो चुका है। अभी दूसरे में हम बताएंगे कि इसका कैसे कनेक्शन होता है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो वायर है, वायर भी यहाँ पे कोई 2.5 mm का है, कोई 1 mm का है, कोई 1.5 mm का है। तो जहाँ पर जिस वायर की ज़रूरत है उस हिसाब से उस वायर को भी लगाया जाता है। तो कौन सा वायर कहाँ लगेगा वो भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज आप लोगों को ये बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। ये देखिए वायर पट्टी होती है, वायर पट्टी जो वायर इसके अंदर एक अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, एक वायर पट्टी यहाँ पे देखेंगे वायर पट्टी के द्वारा, कहीं कहीं इसको क्रेसिंग पट्टी भी बोलते हैं, तो जिसके अंदर वायर को दौड़ाया जाता है, लगाया जाता है। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वन वे स्विच के लिए भी एक साकेट को बॉक्स को लाया गया है। वन वे स्विच कहाँ है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन वे स्विच, जैसे सीढ़ी कनेक्शन के लिए, सीढ़ी कनेक्शन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे लगा जाएगा, इसके अंदर एक बटन रहेगी, एक स्विच रहेगी, इसको भी लगा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कैंसिल लाइट, एक कैंसिल लाइट है पैनासोनिक की, 9 वाट की एक LED है। तो इस तरह यहाँ पे देखेंगे जो लाइट है, डीप लाइट, डीप जंक्शन में जो लगती है, इसको लगाने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अंदर कर उसको छोड़ दिया जाता है, वो आसानी से लग जाता है। तो साथ साथ में हमें वायर टेप की भी ज़रूरत पड़ती है। वायर टेप के साथ साथ हमें कहीं कंबाइंड बॉक्स लगाना होता है तो कंबाइंड बॉक्स भी मंगाया गया है। इसमें गटर और स्विच दोनों एक ही में लगा होते हैं, अलग से नहीं आता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, इस एंकर कंपनी का है, बढ़िया कंपनी का है। तो उसके साथ साथ देखेंगे यहाँ MCB है, जितने भी MCB है, कौन सी MCB कहाँ लगेगी, सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह 16 एम्पियर की MCB है, और इस पर लिखा भी रहता है किधर से इन और किधर से आउट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से लोग कन्फ्यूज में रहते हैं कि कौन सा वायर किस तरफ लगा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तरफ लाइन लिखा है और इधर देखेंगे तो लोड लिखा, तो तीर का निशान, एरो का निशान भी। तो पहले मेन सप्लाई आपकी आ गई और यहाँ से आउट होगी, तो बिल्कुल आसान है इसका करेक्शन करना। और देखेंगे तो यहाँ अगर सीधा जिस तरफ से सीधी पोजीशन हो उसके निचले पॉइंट में मेन सप्लाई देंगे और ऊपर वाले से आउट कराएंगे। तो ये देखिए ऑन ऑफ, इससे ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑन होता है। इसका प्रयोग कमरे में यदि शॉर्ट सर्किट हो तो यह क्या करता है, गिर जाता है, ताकि आगे का जो भी उपकरण था वो बच जाता है। यहाँ पे देखेंगे एक चेंज ओवर, एक MCB, इसको MCB चेंज ओवर कहते हैं। ये जो पहले बड़े बड़े लोहे का जो चेंजर आते थे उसका यूज ना करके अभी इस चेंज ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेटर का कनेक्शन, लाइट का कनेक्शन कैसे करना है, तो इससे आप कर सकते हैं। इस पर नंबर भी लिखा रहता है, 3 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, जो भी है। तो यहाँ पे लिखा है 4 नंबर, 8 नंबर, तो कौन सा कैसे कनेक्शन है इसको भी कंप्लीट आपको बताएंगे अगले वीडियो में, कैसे इसका कनेक्शन होता है। तो लगभग इतने पार्ट लगे होते हैं, इतने पार्टों को लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं बोर्ड, ये मॉडलर बोर्ड, इसको मॉडलर बोर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एसी के लिए एक पॉइंट जो है इसमें लगा दिया गया है। एसी के लिए जो पॉइंट है वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऊपर, तो वहीं पे लगाया जाएगा। इसका कैसे कनेक्शन होगा वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से या दिख भी रहा है। तो इसके ऊपर भी एक कवर होता है। तो MCB बॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर कवर लगाएंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न बोर्ड इसलिए प्रयोग किया जाता है, या क्या है, ये पूरा दीवार के बराबर रहता है, और जो छोटे जो अलग से बोर्ड लगाए जाते हैं वह दीवार से, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले बोर्ड लगाया जाता था, तो यह जो बोर्ड था दीवार से पूरा बाहर रहता था, ये पूरा इसका सिरा जो बाहर रहता था, तो बहुत देखने में सुंदर नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अब धीरे धीरे मॉडलर बोर्ड का प्रयोग होता है, जिससे यह दीवार में पूरा चिपक कर बैठा रहता है, जैसे अभी आपको दिखाया। यहाँ पे इस मॉडलर बोर्ड को अगर यहाँ पे बैठाया जाते बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं दीवार में पूरा बैठ जाता है। तो अभी इसका कैसे कनेक्शन होता अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसे था, ऐसे तो इस तरह ऐसे लगा था। अब इसको लगा के कैसे लगाया जाता वो भी हम बताएंगे। तो इतने टोटल पार्ट लगे होते हैं वायरिंग में। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।